अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करती हूं बहुत ही अच्छे होंगे। देखो तो इसमें मैंने बना दी है चिकन है, चावल है और इधर रोटियां मैंने बनाई हैं। रोटी और शरबत घोल रही हूँ। देख सकते हैं ये शरबत है मुस्ता, क्या बना लेता है रसगुल्ला का, लेकिन मुझे वो सब नहीं अच्छा लगता। पापड़ पहले करेंगे, इसके बाद मैं यही देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा सब काम हो गया तो पहले ही कर चुके थे। तो नमाज़ पढ़े, नमाज पढ़ के फौरन लकड़ी की हटाने की हटाए, हटाने के बाद शरबत आपके सामने बनाए हैं मैंने। बस ज़्यादा नहीं चलेंगे अभी, हो चुकी है। अब इसके बाद में बड़ी वाली सी थोड़ा सा तलूंगी, जो टूटी टूटी वही सब तल लेती है। अजान होने वाली तर्जी करते हैं यार, सब बोलती है कि मत बजाया चाहिए, मत बजाया चाहिए, भगवान मिलती। देख सकते हैं फ्रेंड आप लोग, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि रोजा इतना अच्छा इतना जल्दी करता है कि क्या मैं बताऊँ आप सबको। अल्लाह का और फ्रेंड लोग आप लोग की दुआ है, बहुत अच्छा करता है। अब देखो इतनी जल्दी कर जाएगा तो, बल्कि रमज़ान ही बहुत अच्छा है मेरी सवाल, बहुत अच्छा है। मैं सोचती रहती हूँ हमेशा ही रमज़ान ही रहे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि नमाज पढ़ने में मिल जाती है, तिलावत करने में मिल जाती है, इबादत तो करनी रहती है। और ऐसे है तो 10 टाइम पकावा ना पक्का पाँच तक पम्मू बार खुले पक्का है, अच्छा है सब। मेरी ये पापड़ भी हो चुकी है फ्रेंड, पापड़ में जब तलती है ना मुझे कोई याद आ जाता है, जो मेरी वीडियो देखते हैं समझ जाएंगे कौन याद आ रहे हैं मेरे लिए। मैं आधी आधी रात को उठ पापड़ तल तल खाती भी खिलाती भी थी, चाय वह सब कुछ था मेरा। अब चलो देखते हैं, पहले मिर्च तलेंगे। देखो ये हमारी मिर्च हो सकता है कहीं तो आज तीखा खाना हो, तीखे तो ऐसा सब लोग बोल रहे रहते हैं।
अच्छी है। पकौड़ियाँ छान रहे हैं, क्या हुआ ना सीने पे दर्द हो रही है, इस सीने पे क्यों हो रहा है ये पता नहीं। आज पदर के टाइम मैं थी, मुझे तो जल्दी जल्दी खाना वगैरह बनाई, खाना बना वगैरह बनाने के बाद तो मैं क्या की मैंने थोड़ा मोबाइल देखने लगी, सब लोग क्या डाले हैं स्टोरी वगैरह यही सब देख रही थी। बस उतने बज गए 5 बजे में, हो गई फजर की अजान। जब मेरे घर वाले हल्ला की अजान हो रही, अजान हो रही, पानी पीने लगे, उतना थोड़ा पी लिया, अभी कहाँ बहुत दूर की हो रही है, मकबू आ जाएगी पी न पाए। तब भी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा कटा हुआ है रोज़ा मेरा। देखो फ्रेंड में बहुत दुबली हो गई है ना, देख सकते हैं आप लोग, कपड़ा पर मेरा देखो कितना भक्त पीछे ही से पता चल रहा है, ऐसे लग रहा किसी को उतारा है। अगर मैं किसी का कपड़ा उतार उतारा नहीं पहनती अपने मत समझ लें, तो किसी की चीज़ उतारी ले नहीं सकती कभी नहीं। आप बताएं फ्रेंड कैसे हैं आप लोग, खैरियत से होंगे, बहुत ही अच्छे हैं। नानी घर से बाल भी नहीं झाड़ रही अपना, वैसे ही अभी गीला बाल है अभी मेरा। आप बताएं फ्रेंड सब लोग की शॉपिंग हुई है, रमजान का कपड़ा किसके किसके ले गए कमेंट में बता देना, चाहे मेरे के कोई भी है बताना, और क्या चला हुआ है ये भी बता देना मुझे, तो मैं ले लूँगी। अभी मैं नहीं ली हूँ क्योंकि चांद रात तक में हो सकता है लूँगी, मैं एकदम लास्ट आई एकदम 2-5 रोज़ा या 6-5 या 4-3 इतना बस्ता रहूँगा तब मैं जाती हूँ, रेडीमेड लेती हूँ इसीलिए। कौन कौन से लोग कपड़ा ले चुके हैं जरूर मुझे कमेंट में बताना, कैसा कैसा लिए हैं आपने। पकौड़ियाँ मेरी देखो खूब अच्छी सी लाल हो चुकी है अब एकदम, गैस में अभी को मैंने पूछी उछी तब भी एकदम लगी चूल हो गया। अभी मेरा देखते हैं अभी चीनी नहीं गली है, और मम्मी ने के लिए सबके लिए बना दिया है, पर मैं अपना अलग बनाती हूँ, किसी भी नहीं। बेचारा एक मुन्ना बेबी था गिर गया, बहुत बुरी तरह से गिरा बेबी, छोटा सा मासूम ही था वो बच्चा, तख्त पे से गिर गया है, वो सोचा कि मैं कूद जाऊँ, इतनी बुरी तरह से बेचारा गिर गया ना, उसको ज़्यादा चोट आ चुकी है पूरा, ऊपर का भी दांत नीचे वाला दांत ऊपर पे था, ऊपर वाला दांत नीचे से गिरते हैं। अभी को गई उनकी मम्मी दवाई लेकर आई है, सुबह ये 10-12 बजे की घटना थी। हाँ बताए फ्रेंड कैसे हो, खैरियत से आप लोग हो ना, देख सकते हैं
देखो ये सब पहले मैं छोटी सी थी ना, ये सब मुझे नहीं काम था। पहले हम लोग रोजा में मम्मी भी बनाते थे, बहन सिस्टर बड़ी वाली रहती या मम्मी रहती वो सब इफ्तार बनाती। आ गया दिन आ गया, हम खुद ही सबको बनाते खिलाते। तो ये छोटे छोटे थे तो क्या क्या करते थे क्या नहीं करते थे, हम लोग छोटे से थे ना, रोजा जब रहते थे मम्मी में रखती थी रोजा, हम लोग उन लोग को देख कर रहते थे ना, चोरी लुक का पानी भी पी लेते, इतनी ना समझते। अब तो बहुत अच्छी हो चुकी हूँ, दुआ में आप लोग याद करना मुझे भी, हम आप लोग को भी याद करेंगे इंशाल्लाह। देखिए मेरी पकौड़ियाँ, देख सकते हैं पकौड़ियाँ हैं, देखो मेरी आँख से कैसे डगडगाती है। सच में जी मुझे बताओ कैसे मैं मोटी हो जाऊँ इतनी मोटी, सच में थोड़ा मैं सोचती हूँ ना मोटा मोटी से हो जाए और गाल में रहता रहता। अब एकदम आज़ाद हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है टेंशन जब नहीं रहेगा ना खुद मोटी हो जाऊँगी, क्योंकि टेंशन मिला रहता मिलता रहता है थोड़ा बहुत। और टेंशन कब खत्म नहीं होगा, जब मर जाएंगे तब ही निकल जाएगा टेंशन। कल होली है आप लोग की ना, कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं मेरी वीडियो कमेंट में बता देना कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक चलती है। प्लीज़ आप लोग से गुजारिश है आप लोग लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, मगर ये भी ज़रूर मुझे बताना कमेंट में कि आप लोग ईद का कपड़ा लिए हैं कि नहीं लिए हैं, ये भी ज़रूर मुझे बता देना। तो लिए हैं तो अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है, चलो महीने का रंजेता रख लेते हैं। कपड़ा भी लेना बहुत सवाब पकाना है, क्योंकि इंसान रोजा रहते हैं पेट भूखे वगैरह रहते हैं, तो उन लोग को भी रोज़ा में कपड़ा बनाना ज़रूरी है, ये हमें ज़रूर बताना कमेंट में कि कौन कौन से लोग कपड़ा ले चुके हैं, कौन कौन से लोग लेने हैं। आज हमारी 13 रमज़ान हुआ है, आप लोग की दुआ से बहुत 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 अच्छा कट रहा है। चलिए फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अब चलो मैं देखो मेरा ये सब देख सकते हैं, और इधर पकौड़ियाँ हैं, मिर्च सब्जियां तो मैं दिखा दी हूँ अपनी। चलिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, थैंक।